तो चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये चैप्टर में है क्या, इसको सिखाने से पहले एक वर्ड सीखना है हमने, वो है एक सीरीज। सीरीज में बोलो सीक्वेंस, बेसिकली पैटर्न। सीक्वेंस एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है पैटर्न। अरे सर, और कितने पेजेस हम करेंगे? 4। तो पैटर्न क्या चीज है, मैं कुछ यहाँ पे लिखूंगा, हमको बताना आपको कुछ मिला। 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, कुछ मिला? नोटिस करो, 3-3 का गैप है, एक फिक्स पैटर्न है। यस, जब एक पैटर्न के अंदर गैप सेम हो, यानी एक सीरीज से सीरीज बोलते हैं, जब एक सीरीज में गैप सेम हो तो वो एक एपी सीरीज होती है। क्या होती है मेरे बच्चा? गैप कितने का है? अच्छा, एक पैटर्न और लिख रहा हूँ, जब को इस पैटर्न को बताना। और मैं बोल रहा हूँ 2, 6, 18, 54, 142, 426 ही आएगा ना, 142 नहीं, 162, हाँ 162, 486। हाँ जी, कुछ मिल रहा है पैटर्न? क्या हो रहा है? इन टू थ्री है ना हमारे पास। नोटिस करो, ये 3 से मल्टीप्लाई है, ये 3 से मल्टीप्लाई है। क्या ये एक एपी सीरीज है? मैंने बोला गैप सेम होना चाहिए, गैप सेम है? नो, एपी सीरीज तब होगा जब इनका डिफरेंस गैप, यहाँ पे गैप कितने का है? 3, यहाँ 3 का, यहाँ पे गैप कितने का है? 3 का। गैप सेम है तो एपी सीरीज है, यहाँ पे गैप कितने का जरा चेक करना। एपी सीरीज है? नो। तो पॉइंट क्लियर हुआ, एपी सीरीज कब है? जब गैप सेम है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट हमारा। ओके, अब सेकंड पे आते हैं, एपी सीरीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, एपी सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं ए वन, ए टू, ए थ्री एंड अप टू ए एन तक। ओके, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ऐसे चलती जाएगी कहानी। मैं एक एग्जांपल पिक कर लेता हूँ इसके लिए। मान लो एपी सीरीज लिख लेते हैं ऊपर वाली, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22। ये है ना मेरा, मेरे को इसमें बता सकते हैं ए वन क्या है? तो चलो वन है, ए वन। फोर, एक गलत बोलते उसके पीछे सब गलत लग जाते हैं, वन ही है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, वन ही है, ए वन यानी फर्स्ट नंबर। चलो एक मौका और दिया, कोई बात नहीं, गर्व आपके लिए। बेटा ए फोर कितना है? यस 10, तो थोड़ा लाउड बोलो ना बेटा, 10। ए फोर कितना हो गया? 10। अब ये सर ए वन, ए टू, ये क्या, मैं क्या समझाता हूँ, आप कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं नोट्स। सबसे पहली चीज, ए वन, इसको सिंपली हम ए भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है मेरे बच्चा फर्स्ट टर्म। क्या होता है? आवाज क्यों नहीं आती? क्या होता है इसका मतलब? फर्स्ट टर्म। इसको हम बोलते हैं एस वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एस वन। अच्छा आपको पता है मैं क्यों बोलवा रहा हूँ आपको, मैं क्यों बोलता हूँ? जब हम बोलते हैं हमारे को वो चीज ना लर्न हो जाती है। बेसिकली कॉमन साइकोलॉजी है कि हमारी जितनी सेंसेस एक चीज में लगती है उतनी ज्यादा वो चीज एनहांस होती है। पॉइंट क्लियर है? जब हम बोल रहे हैं हमारी कौन कौन सी सेंस यूज हुई बेटा? देखने की, देख रहे हो, बोल रहे हो और सुन रहे हो, 3 सेंस। जब आप बोलते नहीं हो कितनी, अक्सर आपने सुना होगा बचपन में बोल बोल के रटाते हैं, रटवाते थे ना वैसे, इसलिए वापसी आते हैं। अच्छा जी, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलिए रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, चलो बता ही देता हूँ पहले। एन, एन होता है बेटा पोजिशन। एन क्या होता है बेटा? इसको कई बार हम सिंपली टर्म भी बोल देते। क्या बोलते हैं? टर्म। मेरा एक सवाल है, 16 की पोजीशन बताओ आदित्य। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 16 की पोजीशन क्या हुई? ए सिक्स, नहीं सिक्स। समझो, जब मैं पूरा नंबर बोल रहा हूं, जब मेरे को पता लगाना है कि सिक्स पोजीशन पे कौन सा है, आई विल राइट ए सिक्स। जब मेरे को क्या पता लगाना है बेटा? पूरा नंबर, तो मैं क्या लिखूंगा?
A6, that is 16. और जब मैं सिर्फ पोजिशन बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ 6. पॉइंट क्लियर हुआ? ओके. अब एक आता है an. an means term at nth position, यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सी टर्म होती है. जिसका मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, a8 कितना होगा, 22. पॉइंट क्लियर है सबको? यहां तक किस किस को क्लियर हो चुका है? ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट वन इज डी. डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस. डी क्या होता है मेरे बच्चा? कॉमन डिफरेंस. सिंपल लैंग्वेज बोलू, गैप. गैप, गैप कितने का ऊपर वाली सीरीज में गैप? 3, दैट इज योर डी. यहां तक क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट आता है हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस. डी कैसे निकालते हैं? डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1, ठीक है, या आप ऐसे बोल लो an - an-1. मीन्स कोई भी दो नंबर के बीच का गैप. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया अगर डी निकालना है, मैं a7 में से a6 माइनस कर सकता हूँ. a7 क्या है? 19. a6 क्या है? 16. 19 - 16, 3. आ रहा है सब में गैप सेम? कोई भी लगा था दो टर्म्स का डिफरेंस. बोलो यहाँ तक क्लियर? यस और नो? यस और नो? ओके. क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दो, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट कर दो. नोट करना है तो पहले नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग. आओ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. क्या कहता है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दी एपी. पहली 4 टर्म्स लिखनी है एपी की. व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म क्या बोला हुआ है? ए. ना भी बोले तो भी क्या होती है? ए ही होती है. एंड द कॉमन डिफरेंस D, are given as follows. Common difference दे रखा है. Ready? Okay. So, first part करेंगे हम, fifth करेंगे. मैं एक करके दिखा रहा हूँ, fifth आप करोगे. Ready? First four terms लिखनी है. इसका मतलब series start कहाँ से हो रही है? 10 से. और gap कितने कितने का है? 10 का. तो क्या क्या हो जाएगा बेटा? 10, 20, 30, 40. Was it tough? Okay, 10, 20, 30, 40. सारे पार्ट्स कर दो जल्दी से. हाँ, चारों पार्ट्स ऐसे रिप्रेजेंट करने, पांचों आई मीन. क्लियर ये डाउट? ओके, फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट किसी से पूछते करने के लिए बोर्ड पे बोलते हैं किसी को. श्रुति, यू वांट टू डू? ओके, नो आपको नहीं बोलेंगे. रुद्र आ जाइए बोर्ड पे. आओ, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स. हाँ जी, ए -1.25, डी क्या है? -0.25. कैसे करेंगे बेटा? -1.25 पहला, माइनस है तो क्या आएगा? -1.5. जिनको नहीं है उसके लिए बता दूं, बेसिकली क्या हुआ, -1.25 प्लस -0.25, यही होगा ना? आपने पहले भी तो ऐसे निकाला, 10 + 10 + ऐसे ही करा था ना, जैसे 10 + 10 = 20, अगला 20 + 10, उसी तरह यहाँ पर भी. तो क्या हुआ? -1.25 - 0.25 कितना हो गया? -1.5. बोले यहाँ तक क्लियर? तो अगला क्या होगा? फिर से -0.25 कितना हो जाएगा? -1.75. फिर से -1.75 - 0.25 - 2. तो कोई ऐसा स्टूडेंट प्रॉब्लम हो? अच्छा, कई बच्चे -2 को -2.0 भी लिखते हैं, तो वो भी ठीक है, डोंट वरी. ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट के आंसर पे प्रॉब्लम आई है. ओके, फोर्थ पार्ट बताते हैं. ए -1 है, -1. डी क्या हो रहा है? हाफ. व्हाट? प्लस. रफ को क्या कर देते हैं? -1 + 1/2. एलसीएम लो, -1.1/2, -0.5. साइन का ध्यान रखिए. क्लियर? फिर से ऐड कर दो बेटा. क्या ऐड कर देंगे? -1/2 में क्या ऐड करना है? हाफ. कितना हो जाएगा? 0. 0 फिर ऐड कर दो 1/2,
वन बाय टू, अब बताओ क्लियर। और सेकंड का आंसर में सबसे मुश्किल है, सेकंड क्या चलेगा, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, सिंपल क्योंकि डी जीरो है। चलो क्लियर हुआ यस और नो, क्वेश्चन थ्री दिखाता हूँ। चलो क्या कहते हैं, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना बेटा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, कौन सा पार्ट पिक करे जो थोड़ा सा टिपिकल हो, सारे सारे ही है ना, फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, बाकी अब अपने करना। देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है, थ्री, यानी किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए, और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी, डी डी कैसे निकलता है, ए टू माइनस ए वन, इट्स अप टू यू, फॉर्मुला लगाना है फॉर्मुला लगाओ, डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट करो क्योंकि ये वन मार्क का क्वेश्चन है। हाँ जी, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है, ए वन थ्री, कितना हो जाएगा सर माइनस टू, ये था, चारों पार्ट हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन फोर पहले करा रहा हूँ, अब क्वेश्चन फोर से पहले छोटा सा नोट है जो लिखवाना है, यहां लिखवा रहा हूँ, आपने कैसे पता लगाया था कि नीचे वाली सीरीज एपी सीरीज नहीं है, इस वाले में, इस वाले में कैसे पता लगाया था, क्या यानी मैं बोलूं गैप सेम नहीं था, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या हम पेपर में, मान लो पेपर में पूछ लिया कि एक एपी सीरीज है, दो मार्क का क्वेश्चन दे दिया, टू मार्क्स में आ गया, क्या लिखोगे, इसका गैप सेम नहीं, इसलिए एपी नहीं, ऐसे लिखोगे, लिखने का वे बस देख लो। पहले मैं लिख देता हूँ क्या है, हाउ टू चेक फॉर एन एपी सीरीज, एक एपी सीरीज को कैसे चेक करें, देखो इफ सिंपल से देखो क्या, कि ए टू माइनस ए वन किसके इक्वल हो, ए टू माइनस ए वन अगर इक्वल है ए थ्री माइनस ए टू इक्वल है ए फोर माइनस ए थ्री, तो वो क्या है बेटा, एपी सीरीज, पॉइंट क्लियर, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर फोर फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट और टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ फोर्टीन, फोर्टीन के लिए मैं फिफ्टीन कराऊंगा, आओ चलो एक सेकंड भी आपके लिए दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सा एपी है, पहला है नो no, कैसे बोला, लिखेंगे कैसे, सवाल ही आता है, मैं सबसे पहले लिखूंगा ऐसे, ए टू माइनस ए वन कितना आ गया, टू, फोर माइनस बाई टू कितना होता है टू, ए थ्री माइनस ए टू एट माइनस फोर, आगे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले दो जब इक्वल नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, नॉट एन एपी, यस और नो, एपी नहीं हुआ। एक पार्ट और करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट, सिद्धांत कंफ्यूज है, इज देयर एनीवन जिसको कंफ्यूजन हो, नो वन, सेकंड पार्ट टू फाइव बाय टू, अब ये कैसे करें सर, ये एपी है, चेक करते, ए टू माइनस ए वन निकालो, फाइव बाय टू माइनस टू एलसीएम करो सबसे पहले, कई बच्चे क्या करते हैं फाइव माइनस टू थ्री, थ्री बाय टू लिख देंगे, पहले एलसीएम, फाइव माइनस फोर बेटा कितना हो गया वन बाय टू, ओके फिर ए थ्री माइनस ए टू थ्री माइनस फाइव बाय टू एलसीएम करो, टू सिक्स माइनस फाइव कितना हो गया वन बाय टू, फिर ए फोर माइनस ए थ्री, जितने नंबर्स लिखे उन सबका चेक करना, एक दो तीन चार, अगर पांच लिखे तो पांचों का चेक करूंगा, जितने नंबर्स लिखे हुए हैं, सेवन बाय टू माइनस थ्री एलसीएम करो टू, सेवन माइनस सिक्स वन बाय टू, तो बताओ एपी है, बिकॉज ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू दो के बाद पक्का तो हो जाता है, तीसरे भी चेक कर लिया करो, ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल आ गए, देयरफॉर इट इज एन एपी, तो ये क्या हुआ मेरे बच्चा एपी, यहां तक किसको क्लियर है, ओके बाकी सबको क्लियर नहीं है, नहीं है क्लियर, ठीक है, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ,
क्वेश्चन बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी भी बताना, डी कितना हुआ 1/2 गैप, डी गैप ही तो है, अभी फिर खत्म नहीं हुआ राइट, थ्री मोर टर्म्स, और तीन टर्म्स बताओ कैसे बताए, प्लस 1/2 नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगी, कितना था अभी 7/2 था, 8/2 कितना हो गया 4, फिर ऐड कर दो 9/2, फिर ऐड कर दो 5, समझ आई बात, नहीं आई, नहीं आई, पेज पे लिखा हुआ है फिर भी पूछ, बताना कैसा है 4, आपके फेस पे लिखा हुआ है फिर भी नहीं पूछते, देखो बेटा बहुत सिंपल है, मेरे बच्चे मेरे पास कितना था 4 में क्या ऐड कर दिया, 4 था 7/2 था, 7/2 बेटा ऐड करो 1/2 कितना हुआ मेरे बच्चा, एलसीएम लिया 2, 7+1 कितना हुआ बेटा 8/2, कितना वो कट के 4, तो क्या आया नेक्स्ट 4 में ऐड करो 1/2, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास रफ वर्क के लिए है ये 4+1/2 एलसीएम लो 8+1 कितना हुआ 9/2, अब 9/2 में क्या ऐड कर दो फिर से 1/2 कितना हुआ, कितना हुआ, अब क्लियर की बात बेटा, तो 4, 9/2, 5 क्लियर, ओके अब जिन जिन पार्ट्स पे टेक है वो करके दिखाओ राइट नाउ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, टोटल टाइम 5 मिनट्स का, मान लो 5th नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आगे चलना जितने कर सकते हो करो,